चपली कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है, और उसके अंदर मैंने आधा पाव मैंने चर्बी ऐड किया है। एक प्याज लिया है, इसको मैं बारीक चॉप कर लूँगी। तीन टोमेटो से दो टोमेटोस को मैं बारीक चॉप कर लूँगी और एक को मैं स्लाइस कर लूँगी। एक अंडा है, कुकिंग ऑयल है, अनारदाना है, अनारदाना को मैं धो के मोटा मोटा कूट लूँगी। अदरक लहसुन है, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। मकई का आटा है मेरे पास 2 टेबल स्पून भर के, और साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून है, जीरा है 1 टीस्पून है, और रेड चिली है होल है 6-7 है, कबाब चीनी है 4-5 है। इसको मैं रोस्ट करके कूट लूँगी, मोटा मोटा कूट लूँगी। और मेरे पास गरम मसाला है 1 टीस्पून। गरम मसाला के अंदर कबाब चीनी नहीं था, इसलिए मैंने अलग से कबाब चीनी लिया है। और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, ये मैं पूरा यूज़ करूँगी। और मेरे पास कुकिंग ऑयल भी है फ्राई करने के लिए। चूल्हा मेरा ऑन है, फ्राई पैन रखा हुआ है। अभी मैं मेरे पास जो साबुत मसाला है, धनिया, जीरा, कबाब चीनी और रेड चिली, उसको मैं थोड़ा रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करके मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। तवा मेरा गरम है, हल्का से कर लूँगी, ज़्यादा जलाऊँगी नहीं। प्याज मैंने काट लिया है, लेकिन अभी इसको थोड़ा और बारीक करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बारीक कर रही हूँ। अभी इसको इसके अंदर मैंने रख लिया, बारीक चॉप करना पड़ेगा अभी इसको। छुरी से मैं इसी तरह करके मैं बारीक कर लूँगी। प्याज मेरा बारीक हो गया है, बारीक मैंने चॉप कर लिया है अभी इसको। इसी तरह मैं टोमेटो को भी कर लूँगी थोड़ा। अभी कीमे के अंदर मैं प्याज डाल रही हूँ। कीमा के अंदर मैंने प्याज डाल दिया। इसी तरह मैं थोड़ा टोमेटो भी थोड़ा और थोड़ा बारीक चॉप करके वो भी मैं डाल दूँगी। टोमेटो भी मेरा बारीक हो गया है। अभी टोमेटो में इसी के अंदर मैं डालूंगी कीमे के अंदर। मैंने प्याज डाल दिया, अभी टोमेटो डाल रही हूँ। इसके बाद मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, पेस्ट नहीं है सॉरी, मैंने अदरक लहसुन को कूट के रखा था 1 टेबल स्पून, वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। सॉल्ट 1 टीस्पून सॉल्ट, और गरम मसाला का पाउडर वो भी मैं डाल रही हूँ। और जो होल मसाला था, जीरा, धनिया और रेड चिली, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया, वो डाल रही हूँ मैं। और मकई का आटा है, वो मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून पूरा भर के। डाल के अभी मैं इसको मिलाऊंगी, हाथ से मिलाऊंगी। इससे पहले मैं अंडे को फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई पैन मैंने गरम रखा है, उसके अंदर मैं थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। अभी एक अंडा जो मेरे पास है, उसको मैं सॉफ्ट फ्राई कर लूँगी। सॉफ्ट फ्राई करके मैं कीमा के अंदर ऐड कर लूँगी। बिस्मिल्लाह, बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया। मुझे इतना फ्राई नहीं करना है, मुझे सॉफ्ट ही चाहिए। और इसको एकदम बारीक करना है, बारीक करके मैं कीमे के अंदर डाल दूंगी। अंडा मेरा हो गया है, अभी इसके अंदर मैं कीमे के अंदर अंडा भी मैंने डाल दिया है। अभी अनारदाना मैंने इसके अंदर कूट लिया है, अभी अनारदाना भी मैं डाल रही हूँ। डाल के अच्छी तरह से मिला लूँगी, क्योंकि हाथ से मुझे मिलाना पड़ेगा। जितना भी अच्छी तरह से मिलाऊँगी, कबाब उतना सॉफ्ट बनेगा, अच्छा भी बनेगा, टेस्ट भी बनेगा। तो मुझे आटा जैसा गूंथते हैं हम लोग, रोटी के लिए हम लोग आटा गूंथते, इसी तरह मुझे कम से कम 15 मिनट तक मुझे इसको गूंदना पड़ेगा। ये हो गया, ऑलमोस्ट 15 मिनट तक हो गया है, मैंने गूंद लिया अच्छी तरह से। अभी इसको ढक के रख दूंगी, 2 घंटा के लिए मैं छोड़ दूंगी इसको।
अभी मैं कबाब के साथ, चपली कबाब के साथ एक इमली की चटनी भी बनाऊंगी। इमली के चटनी के लिए मैंने होल धनिया लिया 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया और रेड चिली साबुत लिया थोड़ा, और मैंने इमली लिया है, इसको मैं भिगो दूंगी और इसको पल्प निकाल लूंगी। और मैंने काला नमक भी ले लिया है। अभी इसको, इसका जो ज़ीरा धनिया और रेड चिली है, मैं इसको रोस्ट कर लेती हूँ। बाद में मैं इसको मोटा मोटाई कूट लूँगी, कूट के इमली के पल्प के अंदर मैं मिला लूँगी। मैं आपको बताते जाऊँगी स्टेप बाय स्टेप। हो गया मेरा है ये, अब इसको निकाल देती हूँ, बाद में मैं इसको कूट लूँगी। अभी मैं इमली का चटनी बनाने जा रही हूँ। इमली का मैंने पल्प निकाल दिया है, इसके अंदर मैंने गर्म पानी डाल के मैंने थोड़ी देर भिगो के रखा था, बाद में इसको मैंने पल्प निकाल लिया है। अभी मेरे पास ब्लैक सॉल्ट है, 1 टीस्पून तक मैं ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, और जो मेरे पास होल चिली, रेड चिली, धनिया और ज़ीरा उसको मैंने रोस्ट कर लिया था, उसको मैं डाल रही हूँ। डाल के इसको मिला दूँगी, बस मेरी इमली का चटनी अभी रेडी है। अभी मैं कबाब बनाऊंगी, ये साइड में मैं रख देती हूँ। अभी मैंने इसका कबाब का सारा मसाला लगा के मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था 2 घंटा पहले है। अभी इसके अंदर मैं एक और एक अंडा डालूंगी। पहले मैंने सॉफ्ट फ्राई करके अंडा डाला था, अभी कच्चा अंडा डालूंगी अभी। और इसके बाद इसको मैंने इसमें बड़ा एक थाला के अंदर ये लेके मैंने गून लिया था, इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने गून लिया था। एक अभी अंडा डाल के इसको भून के मैं फ्राई कर लूँगी। अभी इसको हाथ से ही करना पड़ेगा। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, फ्राई पैन मैंने ऑयल रखा है। अभी मैं कबाब बना के डालूँगी। अब कोई भी साइज़ का बना सकते हैं, मैं थोड़ा मीडियम साइज़ की बनाऊँगी, इतना बड़ा नहीं बनाऊँगी, छोटा भी नहीं बनाऊँगी। और चपली कबाब इतना पतला नहीं होता है, थोड़ा मोटा मोटा ही होता है। ऑयल मेरा गर्म हो गया है, मैं अभी डाल रही हूँ इसके अंदर बिस्मिल्ला। और टमाटो जो मैंने स्लाइस करके रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया है। और मैरिनेट करके मैंने 2 घंटा तक रखा था। बीच में मैंने बड़ा एक थाला लेके उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से दोबारा मैंने गून लिया था। अभी मैंने स्लो आंच पे रखा है कि कीमा कच्चा है, स्लो आंच पे ये पकेगा। एक साइड पे हो गया है, मैं अभी दूसरा साइड को टर्न कर दूंगी बिस्मिल्लाह। मैंने अभी दोबारा इसको पलटा दिया। बस ऑलमोस्ट मेरा हो गया है, अभी साइड हो जाएगा तो मैं इसको निकाल दूंगी। निकाल के मैं दूसरा डाल निकाल देती हूँ निकाल के मैं दूसरा डाल रही हूँ। ये भी इतना उस साइज का ही मैं बनाऊंगी, ना मोटा ना पतला। बिस्मिल्लाह। एक टमाटो के स्लाइस में डालूंगी। स्लो आंच पे ही है, अभी मैं इसको थोड़ा हिला के पलटा दूंगी। अभी इसको दोबारा मैं पलटा दिया। अभी भी स्लो आंच पे पकाऊंगी, स्लो आंच पे ही है मेरा।
भी मेरा हो गया है और एक मिनट डाल के आपको पका के बताती हूँ। इसी तरह मैं सारा कबाब बना लूँगी। टोमेटो भी अंदर मैंने डाल दिया, अभी भी स्लो आंच पे है, मैं स्लो आंच पे पकाऊंगी। इसको मैं पलटा रही हूँ। अभी ऑलमोस्ट ऊपर वाला हिस्सा हो गया है, अभी हो जाएगा तो मैं निकाल दूंगी इसको। ये भी मेरा हो गया है, इसको भी मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए हमारा पेशावरी चपली कबाब इमली की चटनी के साथ बिल्कुल तैयार है। आप भी इसी तरह बनाएं, इंशाल्लाह पसंद आएगा। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।